नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इतिहास दर्ज कराया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नगर निगम में 134 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इस बार नगर निगम में अब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का अगला टारगेट मुंबई है। जी हाँ, मुंबई में अगले साल बीएमसी का चुनाव होने वाला है, यानी कि अब जो मुंबई में नगरपालिका के चुनाव होंगे, उन नगरपालिका के चुनावों पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नजर है। और इसके लिए आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी आम आदमी पार्टी की, और इसी बैठक में मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनावों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 18 दिसंबर को दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीएमसी चुनाव पर मंथन हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन, कार्यकारी अध्यक्ष रुबेन मेस करेनहास, पार्टी नेता जुनेद खान और मनु पिल्लई शामिल हुए। मुंबई नेतृत्व ने पार्टी की रणनीति और दृष्टिकोण पर परामर्श के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात भी की। साथ ही पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और बागवानी मंत्री फौजा सिंह सरारी के साथ भी अपनी योजनाओं को लेकर चर्चा की। बीएमसी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने मुंबई टीम के साथ रणनीति पर चर्चा की। आम आदमी पार्टी के नेता मुंबई का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत तौर से प्रचार अभियान का नेतृत्व भी करेंगे। आगामी बीएमसी चुनाव के लिए एक वॉर रूम तैयार किया जाएगा और पूरे प्रचार पर निगरानी की जाएगी व्यक्तिगत रूप से। बीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के साथ प्रचार में उतरेगी। तो मुंबई के बीएमसी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट रही है। वॉर रूम तैयार किया जा रहा है, प्रचार किस तरह से होगा, कौन प्रचार की कमान संभालेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये तमाम चीजें जो हैं उनको लेकर मंथन हो रहा है। और खासकर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी के चाणक्य हैं राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक, पूरी तरीके से बीएमसी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। नजर जो है बीएमसी चुनावों पर वो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बनी हुई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बीएमसी चुनावों में आम आदमी पार्टी उतरेगी। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तैयारियों को लेकर, रणनीति को लेकर, जो मुंबई से टीम आई थी दिल्ली 18 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए, वो टीम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी मिली थी। तो देखना होगा कि आने वाले समय में बीएमसी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कुछ ऐलान किया जाता है। मुंबई के आगामी बीएमसी चुनावों के लिए जहां तमाम बड़े राजनीतिक दल पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस मुकाबले में उतरने के लिए तैयार है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के साथ बीएमसी चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, जिसमें फ्री बिजली, फ्री पानी को लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी तक बीएमसी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि फरवरी में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन ये चुनाव काफी दिलचस्प होंगे और देखना होगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है बीएमसी चुनावों में, उस तैयारी का क्या नतीजा निकलता है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।